कि हमारे अजीज दोस्त जनाब एजाज भाई जो है आज यहाँ इफ्तार का इंतजाम किया था, तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं और हमारे सामाजिक कारकुन जनाब इश्ताक पहलवान भी साथ हैं। तो यहाँ तमाम हमारे दोस्त अहबाब जनाब यूसुफ भाई, जनाब यासिन बेग सब मौजूद हैं। तो इस इख्तियार में आया हूँ। बस आपका सवाल यह है कि आइंदा इलेक्शन में हमारा क्या रोल रहेगा? तो देख रहे हैं सर, आप आने वाले इंतखाबात से थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी ये बात सही है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने का या इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं मेरे फर्जंद जनाब रुमान बेग को इलेक्शन लड़ाना चाहता था। तमाम दोस्त अहबाब की भी यही ख्वाहिश थी कि एक नौजवान कायद को तैयार करें, हमारे बच्चे जो MBA ग्रेजुएट है उसको इस बार इलेक्शन में आगे लाया जाए। तो मैंने ये कोशिश की थी कि ये हाँ ये BJP से उसके लिए टिकट की कोशिश की थी। ठीक है, कोशिश तो की थी, मगर नाम अभी ऐलान उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्या होता है। कि हमें खैर इस बात का रेंज है कि BJP को चाहिए था कि दो मुसलमानों को सीट देते। ऐसा ये था कि बीदर में हज कमेटी के चेयरमैन जनाब कचहरी वाला को और शिवाजनगर की सीट रुमान बेग को देने का ऐसा एक प्रोग्राम था, मगर लास्ट मिनट में क्या हुआ मालूम नहीं। अभी भी वक्त है, आगे देखेंगे, अभी वक्त है। मैं दोस्त अहबाब से सलाह मशवरा करके क्या मेरे बच्चों को इंडिपेंडेंट लड़ाना है, जनता दल यस से भी बात, वहाँ भी मेरे कुमार स्वामी ये सब बहुत पुराने दोस्त लोग हैं, हमारे देवेगौड़ा साहब जनाब कुमार स्वामी के वालिद जो हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब देवेगौड़ा साहब, इन सब से वो भी टच में हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से JDS से शिवाजनगर से लड़े। अभी बातचीत है, दोस्त अहबाब से मशवरा करके आज़ाद उम्मीदवार होना है या JDS से लड़ना है या आगे कैसा करना है, आगे की कार्रवाई आपको मालूम हो। ये फरमाइए सर, आज आप इफ्तार पार्टी रखे थे, पार्टी करे जी? नहीं, एक्सचेंज मिलने की बात नहीं, यहाँ इफ्तार जो पार्टी हुई या आप सब मिलकर हम उसके वास्ते MLA साहब आ गए इत्तेफाक से तो हमें बुलाना पड़ा। ये कोई पॉलिटिक के वजह से या इलेक्शन कॉन्टेस्ट की वजह से हम लोग आए नहीं करे, बस अल्लाह को राजी करना, हम लोग एक और एक बनने के लिए कराए थे बस। कितने लोग शामिल थे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी देखें यहाँ पर तकरीबन 600-700 आदमी सब मिलकर इख्तियार करे और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी हुई, अल्लाह का एहसान सारे आलम के लिए दुआ करे। आपके इफ्तार पर दावत में कौन कौन आए थे? हमारे जनाब आर रोशन बेग साहब आए थे और जनाब पहलवान इश्ताक साहब, पहलवान फारूक साहब और बहुत सारे यहाँ के जो सोशल वर्कर है और यहाँ के कमेटी के मेम्बरान है और यहाँ मोहल्ले वाले मोहल्ले के चंद बड़े सरप्रस्त लोग आए। क्या इन लोगों के आने की वजह से हमें बहुत खुशी हुई और इसमें आपका भी ताउन रहा।